नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और आज मैं दोस्तों आप लोग के सामने एक टाइल्स का वर्क लेके आया हूँ कि टाइल्स हम लोग किस हिसाब से करते हैं और कैसे करते हैं। अदर वीडियो में आपने प्लास्टर देख लिया था, कॉन्क्रीटिंग देख ली थी। अब इस वीडियो में दोस्तों देखिए, सबसे पहला दो काम होते हैं, प्लास्टर या तो मेंटेनेंस के लिए करना है यानी पुरानी सरफेस पे, या फिर नई सरफेस पे। अब टाइल्स लगाने के दौरान यही प्रोसीडर है। और सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि टाइल्स होती कितने तरह की है। टाइल्स मेनली दो तरह की यूज होती हैं, जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हैं कि वेट्रीफाइड टाइल्स होता है और सेरेमिक टाइल्स होती है। जबकि सेरेमिक टाइल्स और वेट्रीफाइड टाइल्स दोनों होती हैं वॉल और फ्लोर के लिए, दोनों के लिए ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यही यूज होता है दोस्तों, जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए होते हैं वर्क। अदरवाइज बेडरूम के लिए अलग टाइल्स होता है, जो कि एसिड रेजिस्टेंट टाइल्स होता है। फिर कहीं मार्बल यूज होता है, कहीं ग्रेनाइट टाइल्स यूज होती है। अब इसमें देखिए दोस्तों कि जो वॉल टाइल्स होती है वो मैक्सिमम 300x600 की हो सकती है, और जो फ्लोर टाइल्स होती है वो 800x1200 की हो जाती है। नॉर्मल जो होती है वो 300x200 की चलती है। और जितने भी बाकी अलग अलग तरह के टाइल्स हैं, यदि आप कहीं और जाते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया तो वहाँ अलग तरह के टाइल्स चलेंगे, या फिर कोई स्टेडियम बन रहा हो तो वहाँ कुछ अलग टाइप का टाइल्स होगा। ये सारा कुछ आपके स्पेसिफिकेशन में दिया रखा होगा, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइल्स का वर्क चल रहा है, सबसे पहले एक अभी कुछ सेकंड पहले आपने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे पुराने सरफेस पे हैकिंग की जाती है। हैकिंग उस तरह से की जाती है, और यहाँ पे देखिए हैकिंग करने के बाद हम प्लास्टर को चढ़ाते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले बॉटम का लेवल फिक्स करते हैं। जैसे देखिए, हैकिंग करने के बाद इन्होंने प्लास्टर को एक प्लास्टर का लेयर चढ़ाया है, और लेयर चढ़ाने के बाद देखिए बॉटम लाइन सबसे पूरी टाइल्स की फिक्स है। और ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी टाइल्स करेगी तो पहले आप वॉल का करिएगा, और वॉल करने के बाद ही फ्लोर का पकड़िएगा। यदि आपने फ्लोर की टाइल्स पहले कर दी और वॉल का बाद में किया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको कि सीमेंट क्योंकि एडहेसिव का काम करता है और वो टाइल्स पे चिपक जाएगा, जो कि आप बिल्कुल हटा नहीं पाएंगे, और आपकी पूरी टाइल्स खराब हो जाएगी, वर्क खराब हो जाएगा, जिससे आपको भी नुकसान होगा, कंपनी को भी नुकसान। अब इसमें देखिए, इस तरह से बॉटम लाइन को पहले फिक्स किया जाता है। बॉटम लाइन को फिक्स करके जहाँ तक कि वॉल की हाइट है, वहाँ सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं, या तो चौक से मार्क करते हैं या किसी लेवल पाइप के थ्रू, जो कि वाटर लेवल के थ्रू होता है। टॉप वाली लाइन आपको दिख रही है, जो एक फिक्स करता हुआ दिख रहा होगा, ये पुरानी सरफेस और नई सरफेस वाला जो मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था। अब नई सरफेस पे क्या होता है कि आप सीधे प्लास्टर करते जाते हैं और टाइल्स फिक्स करते जाते हैं, जबकि जब पुरानी सरफेस आती है तो देख लीजिए, इसमें से एक आपको हैकिंग करके एक लेयर चढ़ाना पड़ता है सीमेंट का या फिर प्लास्टर का, उसके बाद फिर इस तरह से ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करते समय दोस्तों दो तीन चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती हैं, कि जैसे हर एक जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर जैसे एक कॉर्नर पे चार टाइल्स का कॉर्नर मिलता है, तो वो कॉर्नर जो हो बिल्कुल प्लेन हो, एक लेवल पे हो। ऐसा ना हो कि कोई फिर दबा हुआ हो, या फिर कोई निकला हुआ हो या उभरा हुआ हो। ये हो सकता है कि आप 100 टाइल्स लेंगे या फिर कुछ टाइल्स लेंगे, तो उसमें 100 में से हो सकता है 4-5 कुछ आपके टाइल्स बेंड होंगे। वो एक अलग इशू है। जो बेंड टाइल्स होगा उनको कहीं आप कट करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक आपने नल वाला पार्ट देखा था कुछ देर पहले। और जहाँ आपके टाइल्स बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट है, वहाँ बिल्कुल आपका आएगा। दूसरी सेकंड थिंग आती है दोस्तों कि जब भी आप टाइल्स को फिक्स करें तो थोड़ा सा क्या होता है कि मैलेट होता है, जो कि वुडन मैलेट होता है, जो कि हल्का हल्का उसको ठोक के और उसको सही तरीके से बैठाते हैं। अब यहाँ देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं आपके स्पेसिफिकेशन में ये दे रखा होता है कि जो टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर सीमेंट पनिंग यूज करनी है या फिर वाइट सीमेंट पनिंग यूज करनी है। ये एज पर स्पेसिफिकेशन और क्लाइंट के ऊपर डिपेंड पड़ता है। और ये चीज़ आप जब साइट पे जाएंगे तो आपके पास जो भी फिनिशिंग आइटम का स्पेसिफिकेशन होगा उसमें ये सब डिस्क्राइब होगा। जैसे इस पिक में देखिए, यहाँ पे वाइट सीमेंट लगा रहा है, जबकि लास्ट पिक में आपने देखा था कि वहाँ नीट सीमेंट, जो नॉर्मल ग्रे सीमेंट होती है, उनको यूज कर रहे हैं। और ज़्यादातर ये OPC यूज होता है इसमें, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टाइल्स में भी ज़्यादातर OPC यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहती है। अब सेकंड थिंग आती है दोस्तों कि हम गैप को कैसे मेंटेन करते हैं। गैप को हमेशा 3 mm इसलिए मेंटेन किया जाता है कि 3 mm करने के बाद देखिए गैप में किस तरह से हम वाइट सीमेंट को फील करते हैं। वाइट सीमेंट फीलिंग के दौरान जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, किस हिसाब से इस पिक में फील किया जा रहा है, क्योंकि जो सरफेस है टाइल्स का वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाए और बिल्कुल सही तरीके से आए। अब यहाँ पे एक चीज़ और, कहीं कहीं आपको सबसे ज़्यादा कॉर्नर पे जो दिक्कत होती है दोस्तों,
कि फील तो आप कर देते हैं इधर, फिर कहीं कहीं क्या होता है कि कॉर्नर पे जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं, तो कॉर्नर पे क्या होना चाहिए कि जो एज है उसको टेंजेंट कटिंग करनी चाहिए। टेंजेंट कट करके जब आप कॉर्नर पे फिक्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाकी सारे जॉइंट बिल्कुल आपके प्रॉपर होंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे विदा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक